এই শহর ছেড়ে আরো অনেক দূরে চলো কোথাও চলে যায়। এই সিটি ছোড়কে চলো আজ কহীঁ পে চলতে হ্যায়। তো মাই মুম্বাই মে হুঁ তো মুম্বাই মে কহীঁ পে চলতে হ্যায়। হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল গোল্ডেন ডেজ উইথ মি। আজ এক জায়গায় আপনাদের আপানি যাচ্ছি। আজ মাই আপ লোগোকো অর এক জায়গা পে লেকে যা রহি হুঁ। বহুত দিন পহলে মানে কাহা থা মাই লেকে যাউঙ্গি লেকে নেহি যা পাই, তো আজ পসিবল হুয়া, তো দেখতে চলিয়ে। हम लोग अभी कान्हारी गेट जा रहे हैं। जा रहे हैं कान्हारी के, और जाते जाते ये संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर से जा रहे हैं जंगल के अंदर। और हम सफारी पे नहीं जाएंगे, पर यहाँ पे हम लोगों को एक डीआर के ग्रुप दिखाई दिया, तो बहुत खुश हो गई देख के कि ऐसे ही रोड में साइड में पहले एक देखा, फिर दो देखा, फिर बहुत सारे देखा, तो बहुत खुश हो गई हूँ। तो हम लोग अभी जा रहे हैं कान्हारी के, तो अच्छा लग रहा है। और हम लोग कैसे बास, यहाँ पे बास से जाना पड़ता है, पर हम लोग जा रहे हैं कैब में। यहाँ पे बस से जाना पड़ता है, पर हम लोग कैसे कैब में जा रहे हैं देखते रहे, मैं बता दूंगी कभी कि ऐसे जा सकते हैं आप लोग कैब में। हम इंजॉय करके जा रहे थे जंगल में, तो सडनली एक जगह पे आके ऐसे बेसल्ट रॉक आ गया है। देखिए पूरा जंगल का और जो सॉइल का टेक्सचर ही अलग हो गया। यहाँ से स्टार्ट होता है कान्हारी केप वाला, जो बेसल्ट रॉक है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कहाँ के ड्राइवर को कि थोड़ा रुक जाइए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर उठाऊँगी और मैं दिखाती हूँ। वो जो पहाड़ के ऊपर दिखाई दे रहा है ना, वो है कान्हारी केप। हम लोग घूमते घूमते वो पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे। तो ये जगह पे पूरा ऐसे रेलिंग के साइड से जाना पड़ता है, क्योंकि ये हिल के जगह है और यहाँ पे जो सॉइल है रॉक है, सॉइल तो नहीं है यहाँ पे रॉक है, उसका टेक्सचर ब्लैकिश हो जाता है। जो बेसल्ट रॉक में जो कान्हारी केप बना हुआ है ऐसे हो जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा, एकदम जो डिफरेंस है आप लोगों को दिखाई देगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं, और रास्ता बहुत ही सुंदर है, तो ऊपर जाके कान्हारी केप देखूंगी। यहाँ नीचे से कान्हारी केप ऐसे देखते हैं, तो चलिए ऊपर। और ये सावधानी से जाना पड़ता है, क्योंकि ये हिल के ऊपर है और आप देखेंगे, देखिए साइड साइड में रेलिंग है, तो डरने वाला कुछ बात नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे वॉक करके जाते हैं कान्हारी केप, शुरू से गेट से ही वॉक करके करके जाते हैं। पर बहुत जो ऑप्शन है मैं एक एक करके बता दूँगी, और कैसे आप लोग कान्हारी केप ऐसे हमारे जैसा कैब में जा सकते हैं। ये वाला बस कान्हारी केप में जाते हैं तो नॉर्मल है। और आप लोग को कैसे पता चलेगा कान्हारी केप आ गए, ऐसे फ्रूट्स मार्केट स्टार्ट हो जाएगा उधर, बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स मिलता है। हम लोग जब भी जाते ऐसे खाते हैं। तो ये है कान्हारी केप के स्टार्टिंग जो मेन जगह है, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा है कान्हारी केप्स। और इसके साथ आप लोगों को मैं बंदर भी दिखा देती हूँ कान्हारी केप्स के ऊपर जो है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंडली बंदर मिलेगा, जो लोगों को आप फ्रूट्स ऑफर कर सकते हो उधर से ख़रीद के, वो लोग आके खाएंगे। तो आ गए हम कान्हारी केप्स, और यहाँ पे बंदर भी है, बहुत सारे बंदर रहते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं। और आप जब सीढ़ी से जाएंगे तब भी आप लोगों को बहुत सारे बंदर दिखाई देगा, और स्टेप्स बहुत ही ऐसे ब्रॉड स्टेप्स है, तो मुश्किल नहीं होता है चढ़ना। और आजकल तो स्लोप भी कर दिया, रेलिंग भी कर दिया, सीढ़ी भी है और यहाँ पे स्लोप भी है, और बहुत सारे बंदर भी है। तो केयरफुल, कैमरा वगैरह फ्रूट्स वगैरह बहुत डिस्टर्ब तो नहीं करते, वेरी क्यूट है। हेलो, वाइल्ड एनिमल है पर बहुत डिस्टर्ब नहीं करता है। इधर देखो, नहीं
व्यू बहुत सुंदर है। ये केव होगा ऊपर ना, चल के ऊपर आ गई हूँ। अभी टिकट काउंटर में टिकट लेना पड़ेगा। ये है व्यू, ये है टिकट काउंटर, वो जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ना पीछे वो। तो टिकट ले लिया और उसके बाद ऊपर जा रही हूँ। मैं थोड़ा सा ऐसे, बहुत ज़्यादा धूप था तो थक गई हूँ। तो ऊपर है गेट होगा और गेट के पास सिक्योरिटी रहेगा। ये अंदर आ गई हूँ तो गेट से ब्यूटी स्टार्ट हो जाता है। और मैं आप लोगों को दिखा दूंगी गेट के बाद क्या है। यहाँ पे सारे मैप है, डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखिए, आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे सारे केप के बारे में है और यहाँ पे मैप भी होगा, इसके बाद ही मैप होगा। तो यहाँ पे देखिए मैप है, ये गेट के एकदम राइट साइड में होता है। ये आप लोग देख सकते हो कहाँ क्या केव है, क्योंकि टोटल केव नंबर है 109। और ये जो है ये यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा रेस्ट भी ले सकते हैं। 109 केव्स देखिए, वो लोग वो आगे जाना पड़ता है और टॉयलेट और यहाँ पे कुछ ऐसे रेस्ट लेके खाना वाना खाना है तो यहाँ पे आप बैठ सकते हो। तो चलिए मैं ऊपर जाऊँगी। ये घूम घूम के ऊपर जाना पड़ता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे जिग जग ऊपर जाना पड़ता है। देखिए मैं ऊपर पहले गई, फिर आ गई हूँ अभी। यहाँ पे जाने के लिए बाद ही ये वाला जो रोड लूँगी तो उसके बाद ही आ जाएगा केव नंबर 1। देखिए केव नंबर 1 आ गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं एक के बाद एक दिखाऊंगी। सारे केव तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि आप लोगों को पता चल गया ना, मैंने बता दिया 109 केव है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में नेचुरल केव्स होता है, ये सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है एक के बाद एक। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये केव नंबर 1 है। इसके बाद मैं जाऊँगी केव नंबर 2 के तरफ। पहले बोल देती हूँ ये केव बहुत ही ज़्यादा सीढ़ी नहीं है। अगर सामने वाला 1, 2, 3 आप देखेंगे तो मम्मी पापा आ सकते हैं। और अगर मम्मी पापा विजिट करेंगे मुंबई और आपको केव दिखाना है तो मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग महाकाली केव में लेके जाइए, क्योंकि महाकाली केव बहुत ही पास है और वो प्लेन में है, मतलब कहीं पे सीढ़ी चढ़ना नहीं पड़ेगा। ये है महाकाली रोड में, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। आप अगर मुंबई टूर में जाएंगे तो ये महाकाली केव का 2 वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे, एक हिंदी में और एक मिल जाएंगे बंगाली में भी। और मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी, और मैं दे दूँगी एंड में आप लोगों को इसका महाकाली केव का लिंक मिल जाएगा। तो अभी मैं केव नंबर 2 के सामने आ गई हूँ। ये एक बड़ा सा हॉल जैसा है, ओपन हॉल, जिसके सामने टेरिस जैसा जगह है जहाँ से पूरा संजय गांधी नेशनल पार्क दिखाई देता है। और ये अभी सिक्योर हो गया है, पहले ये स्तूपा में टच करने देते थे। और जो वॉल में जो आर्ट है ना, देखिए कितना सुंदर आर्ट है ना, वो भी जाने देते थे। मेरे पास पिक्चर है, मैं उधर गई हूँ और उधर जाके फ़ोटो खींची हूँ। जब हम लोग आए थे मुंबई में फर्स्ट टाइम कैलिफोर्निया से, तब मैं ये संजय गांधी नेशनल पार्क जाके ऐसे पिक्चर खींची थी। चलिए कुछ पहले का भी पिक्चर देख लेती हूँ और आज का भी। ये 2 नंबर था, अभी जाना है 3 नंबर में। चलिए मेरे साथ। और ये सब है जाला, दिखाती हूँ। पूरे केप पे जगह जगह में ऐसे पानी भरने की जगह है, जहाँ पे पहले पानी भर के रखते थे। मोस्ट ऑफ द जाला और नाली अभी इस बार देखा सीमेंट से भर दिया गया है, पर कुछ कुछ नाली है जहाँ पे से आप उधर घुस के नीचे जा सकते हो, मैं दिखाऊँगी लास्ट में। अभी आ गई हूँ 3 नंबर केव में। 3 नंबर एंड 4 नंबर साइड में है। तो 3 नंबर केव बहुत बड़ा केव है और ये मेन हॉल है, प्रेयर हॉल है। यहाँ पे स्तूपा है और यहाँ पे बहुत सारा ऐसे मूर्ति है। देखिए ये वाला मूर्ति 2 है मूर्ति, जो बहुत ही है, सबसे बड़ा मूर्ति यहाँ पे है। ऐसे वॉल पे इतना ऊपर तक कैसे ये लोग बनाए पाथर काट के पता नहीं, और बहुत सारा मूर्ति है। तो ये जगह देखिए मैं ले ही नहीं पा रही हूँ, इतना बड़ा है। हर बार हम लोग ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 देख
जीतती हूँ और थक जाती हूँ। इस बार आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ तो मैं प्लान कर रही हूँ आप लोगों को जहाँ जहाँ स्पेशल कुछ होगा दिखा दूँगी। और ये जो थ्री नंबर केब है इसके पीछे भी जाऊँगी और दूसरी जगह पर भी जाऊँगी। পিছনে দিকে আজকে যাবো, এইখান অব্দি আমরা প্রতিবার ভালো করে দেখি, তারপরে আর হাঁপিয়ে যায়। এই তিন নম্বর যে হল হ্যাঁ इस ये बहुत ही बड़ा एक हॉल है। इसके मिडिल में ऐसी स्तूपा है जो अभी आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो। ये प्रेयर हॉल है और बहुत सारे पिलर है, पिलर के नीचे ऊपर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, बहुत सारे वर्क है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि स्तूपा के पीछे भी एक जगह है जहाँ से पूरा हॉल आप घूम सकते हैं। हॉल के अंदर जब पिलर के पीछे मैं गई थी तो सामने वाला जगह पे लाइट था, पर पीछे वाला पे मैं डर गई क्योंकि बिल्कुल लाइट नहीं था। पर वो घूम के जब मैं दूसरी तरफ गई तब फिर से थोड़ा थोड़ा लाइट आने लगा। तो ये आप जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप अगर विजिट करेंगे तो मस्ट जाइए वो पीछे वाला जगह। मतलब ये जो स्तूपा है थर्ड केप का, उसके पीछे से ऐसे घूमने की जगह है, तो मैं ऐसे घूम के जा रही हूँ। यहाँ पे घूमने की जगह है, वो साइड से आई थी, पूरा सुबह के पीछे से घूम के इधर से जा रही हूँ। और ऐसे निकल जाऊंगी तो बाहर आ गई हूँ, ये है स्तूपा। तो अभी मैं स्तूपा के सामने वाला जगह में आ गई हूँ और यहाँ पे पिलर है। मैं पिलर के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ। पिलर के नीचे ऊपर दोनों जगह पे बहुत ज़्यादा वर्क है, पर ऊपर का वर्क अभी भी है, मतलब सुंदर है। हर पिलर में अलग अलग वर्क है, अलग अलग डिज़ाइन है, पर नीचे वाले में जो डिज़ाइन था, कभी डिज़ाइन था, वो अभी देखिए ख़राब हो गया है और नहीं है। तो मैं ऊपर वाला थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत ही सुंदर है ये थर्ड वाला हॉल, आप अच्छा से घूमिएगा जब आएंगे थर्ड वाला केव में जिसमें स्तूपा है, जो प्रेयर हॉल है। इसके हर जगह पे बहुत बहुत सुंदर सुंदर वर्क है, बाहर भी आप लोगों को दिखाई, बहुत ही बिग बिग ऐसे स्ट्रक्चर है जो मूर्ति है, और यहाँ पे भी है। और मैं ये वाला केम में और एक चीज़ बताऊंगी आप लोगों को, आप तो जो दिखा रही हो वो तो देखेंगे, सारे मूर्ति सारे डिजाइन सब कुछ तो देखेंगे, लेकिन और एक चीज़ है जो आप जाके समझना है आप लोगों को, तो आपको जाना पड़ेगा इंटरनेट पर। हाँ, अभी मैं निकल जाऊंगी इस स्तूपा से, अब मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जो स्तूपा है ये प्रेयर हॉल है, अभी निकल के ये वाला दिखाऊंगी। यहाँ पे कुछ है तो ये जो है वो तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, पर इंटरनेट में इसका मीनिंग है, आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए, अभी तो थर्ड वाला केव हो गया है, थर्ड वाला केव बहुत सुंदर है, अभी फोर्थ वाला में जाएंगे। तो फोर्थ वाला कहाँ है? फोर्थ वाला थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला एकदम पास पास है। सब लोग क्या करते हैं, थर्ड से निकल के फिफ्थ के तरफ चले जाते हैं, नहीं, थर्ड के देखिए साइड में जो छोटा सा रूम है ना, ये है फोर्थ, और इसके अंदर मस्ट जाइएगा, ये बहुत सुंदर है। ये वाला सीढ़ी से जाना पड़ता है फिफ्थ, पर उसके पहले फोर्थ में मैं बताऊंगी। देखिए लेफ्ट में छोटा सा रूम फोर्थ है और राइट में जो है बड़ा सा जो हॉल है वो है थर्ड के। फोर्थ में इसलिए आप लोग जाइएगा क्योंकि फोर्थ के अंदर छोटा सा रूम है, अंधेरा है, पर उसमें इतना अच्छा डिज़ाइन है, इतना अच्छा स्कल्पचर है, आपको क्या बताओ। स्तूपा तो है ही, पर ये स्तूपा के चारों तरफ आप घूम के आइए, लाइट लेके जाइए, और ये बहुत छोटा सा रूम है पर बहुत सुंदर है। बहुत सारे लोग ये मिस कर जाते हैं तो मैंने ये मेंशन किया, क्योंकि ये बहुत सीढ़ी चढ़ना नहीं पड़ता है, पास में ही है थर्ड के। तो थर्ड के बाद फोर्थ एक बार देख लीजिए, क्योंकि हॉल के अंदर आपको देखने के लिए बहुत अच्छे अच्छे मूर्तियां है। और अभी जाएंगे
फिफ्थ में, तो फिफ्थ में तो चढ़ना पड़ेगा, सिक्स में भी चढ़ना पड़ेगा, अभी बाकी केव उधर है, तो ये बहुत ही चढ़ के जाना पड़ेगा। देखिए ये जगह पे जो ये जो दिखाई दे रहा है, ये कोई टाइगर और लायन का मूर्ति था वो जो खराब हो गया था। तो चलिए अभी मैं फटाफट ऊपर चलती हूँ, यहाँ पे जाके फिफ्थ मिलेगा, पर उसके पहले देखिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो मैं कभी नहीं चढ़ती हूँ ये ऊपर, क्योंकि मेरे बस का काम नहीं है, मैं जा सकती हूँ। देखिए फिफ्थ है, उसके बाद सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, उसमें आप केव के ऊपर चले जाएंगे जहाँ से संजय गांधी नेशनल पार्क पूरा दिखाई देता है। मैं नीचे से आप लोगों को दिखाई थी ना कि ऊपर देखिए केव है, वो जगह पूरा दिखाई देता है यहाँ से। तो मैं उधर नहीं जाऊंगी, ये जो ब्रिज है उधर से ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, 13 नंबर से केव है उधर, और नीचे जाना पड़ता है, उधर 6 से स्टार्ट होगा। तो चलिए मैं नीचे ही जाऊँगी पहले, उसके बाद मैं ये ब्रिज से आप लोगों को ऊपर लेके जाऊंगी। तो चलिए 6 to 11 देख के आते हैं। तो अभी जब मैं गई, बहुत ही ज़्यादा धूप था, और मैं और एक बात बता देती हूँ, ये बारिश में और ब्यूटीफुल हो जाता है। जैसे नॉर्मल टाइम में एक रूप है, बारिश के टाइम में थोड़ा सा अलग रूप होता है। और मैं केव में कैसे आई हूँ वो बता देती हूँ। हाँ, मैं केव में आई हूँ कैब से। आप लोग बस से भी आ सकते हो, साइकिल लेके भी आ सकते हो, यहाँ पे अभी बग्गी या टोटो बोलते हैं उसमें भी आ सकते हो, पर बग्गी सिर्फ संजय गांधी नेशनल पार्क पे कुछ जगह पे जाते हैं, कान्हाड़ी केव तक नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग जो ऑप्शन है, मैं बोलती हूँ कान्हाड़ी केव आने के लिए फास्ट ऑप्शन है बस, क्योंकि आपका प्राइवेट कार गेट पे छोड़ के आना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन है वॉक करके आना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन है आप साइकिल लेके आ सकते हो, परमिशन लेके साइकिल अंदर लेके आ सकते हो। और फोर्थ जो मैं आई हूँ, लोकल पीपल जिनका यहाँ पे हैबिटेट है, जिनका घर है, उनका किसी के साथ अगर आप कनेक्ट करके उनके कैब में आ सकते हो, तो आप इजीली कैब में कान्हाड़ी केव आ सकते हो, मैं जैसे आई हूँ। तो इजी है ना प्रोसीड्योर, मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं बताऊंगी तो बता दिया। यहाँ पे 6 नंबर केव में बहुत सारे लोग रेस्ट ले रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी रेस्ट ले लेती हूँ। इसके बाद थकन आ रहा था मुझे, क्योंकि धूप है, चढ़ना पड़ रहा है, मुझे इतना नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर बहुत टाइम रेस्ट लिया। उसके बाद थोड़ा बहुत घूम लिया। अभी जब मैं गई थी बहुत काम चल रहा था, आधा केव में बोल रहे थे मत जाओ, तो रोक लिया इधर हमें। तो मैं अभी रिटर्न करके जा रही हूँ, मुझे 13 से देखना है वो ब्रिज, ऐसे जाके फिर उधर सीढ़ी चढ़ के देखना है। तो यहाँ पे छात पे तो मैंने पहले ही दिखाई कि जाना नहीं है मुझे, पर मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड गए थे और बोला कि अच्छा है, और पूरा संजय गांधी नेशनल पार्क दिखाई देता है। चलिए मैं ब्रिज से तो जाऊँगी अभी। अच्छा, यहाँ पे ब्रिज के नीचे पहले जब पानी जम जाता था और बहुत सारे लोग स्विमिंग करना स्टार्ट करते थे, पर क्या होता था उसमें एक्सीडेंट होता था। तो यहाँ भी मैं जा रही हूँ, 13 से जो केव होगा ऊपर जाके देखना पड़ेगा। पर एक सैड न्यूज़ आ गया है, तो मैं जाने के बाद उधर जब पहुँच गई तो सिक्योरिटी उधर खड़ा था, उन्होंने मुझे कहा नहीं मैडम, उसमें थोड़ा वॉक चल रहा है तो आपको जाने नहीं देंगे। तो मैं वापस आ गई, ये जगह में पानी जमता है तो स्विमिंग करते थे, फेंस है। और इधर देखिए वो जो जहाँ से हम लोग आ रहे थे, मैं दिखाई आप लोगों को ऐसे, उधर बेसाल्ट ब्लैक कलर के रॉक स्टार्ट हो गया, उधर से जो रोड है वो रोड इधर से दिखाई दिया। तो वो रोड मैंने आप लोगों को दिखाई, अभी मुझे सीढ़ी से नीचे जाना है। और यहाँ पे बहुत सारी जगह था पहले पानी जमता था, वो सब इस बार मैं जाके देखा सीमेंट से भर दिया, क्योंकि कोई एक्सीडेंट नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग से बहुत एनर्जी रहता है, उसके अंदर जाते हैं और पता नहीं कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाता था। मैं अभी वो जो केव नंबर 2 उसके सामने वाला जो जगह है उसमें आ गई हूँ। यहाँ से पूरा व्यूज दिखाई देता है संजय गांधी नेशनल पार्क के, पूरा ग्रीन 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 ग्रीन। देखिए एक केव नंबर 3 है, तो अभी मैं इधर से दिखा रही हूँ पूरे जगह। यहाँ पे 3 पेड़ है जिसमें एक में पत्ता नहीं है और 2 में पत्ता है, तो सारे लोग जाके वो 2 पेड़ के नीचे बैठ गए हैं, मुझे भी बैठना है, मैं जा रही हूँ उधर। यहाँ पे जो छोटे छोटे पेड़ है अभी दिखाई दे रही, इसमें ना पत्ता नहीं है। उधर देखिए 2 पेड़ है, उसमें बहुत अच्छा पत्ता है, तो उधर सब लोग बैठ गए। मैं भी सोच रही हूँ मैं जाके बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरे बेटे को फोटोग्राफी करना है, वो छात पे चला गया। केव नंबर 5 के पास जो सीढ़ी है वहाँ से छात में चला गया, वो फोटोग्राफी करेंगे। तो मैंने सोचा कि इधर आके मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ।
पेड़ देख के मैं बैठ गई और ये हिल के ऊपर था तो बहुत ही हवा चल रहा था, अच्छा लग रहा था। तो मेरी बेटे और मेरे हस्बैंड आ गया है तो मैंने थोड़ा सा कुछ पिक्चर फिर से क्लिक कर लिया केव नंबर 2 के सामने। तो अभी जाना है क्योंकि देख लिया और बाकी जगह तो देखने नहीं दे रहे थे, बाकी केव बहुत सारे और भी है। आप लोग जब जाएंगे तो पहले उधर चले जाइएगा क्योंकि 109 केव है। तो अभी काम चल रहा है तो मैं सामने वाला दिखा पाई। और केव नंबर 1 के सामने ऐसे एक जगह है जहाँ से आप लोग नीचे जा सकते हो, पर मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, मैं वॉक करके नीचे जाऊँगी। और नीचे देखिए ये बंदर, इसका फ्रूट जूस गिर गया था तो ये कैसे खा रहा था, मुझे मज़ा आया, सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे बंदर बहुत फ्रेंडली है, कुछ नहीं करते जैसे दूसरी जगह पे होता है, कैमरा छीन लेते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं। तो चलिए हो गया। तो कान्हारी केव घूम लिया, अभी नीचे जाऊंगी। तो बाय बाय कान्हारी केव। कान्हारी केव को तो बाय बाय बोल दिया, पर कान्हारी केव के जगह पे और क्या क्या कर सकते, पहले तो ये मैं सीढ़ी और एक बार दिखा देती हूँ कि अगर एल्डर कोई आएंगे, किसके पैर में प्रॉब्लम होगा तो कैसे। यहाँ पे स्लोप है और रेलिंग है और सीढ़ी भी है, आप पकड़ पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं। और मम्मी पापा को भी देखे आएंगे तो ये है, देखिए एक आंटी भी आ रही थी। और बंदर फिर से दिखाई दिया और मैं केव के नीचे भी आ गई हूँ। हम लोग कान्हारी केव घूम लिया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। कान्हारी केव को मैंने बाय बोल रही हूँ, आप लोगों को बाय नहीं बोल रही हूँ क्योंकि और क्या कर सकते मैं दिखाऊंगी। आ गई हूँ फ्रूट मार्केट में, देखिए कितना अच्छा अच्छा फ्रूट है, ये आप लोग प्लीज़ खाइएगा, बहुत ही फ्रेश होता है, घर में भी लेके आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैजू नट भी मिलता है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले तो जो लोग बैठते थे सिर्फ ये जंगल से लेके बैठते थे, अभी बाहर से भी लेके आते हैं। तो फ्रूट्स बहुत ही फ्रेश होता है, देखिए कैजू भी है, ये ताल पाम का भी है, सब कुछ है। ये सारी ये जो फ्रूट है ना, इसको क्या बोलते हैं, कावला यहाँ पे होता है नहीं ना? ओके। आप लोग कितने बजे से आते हो यहाँ पे कान्हारी केव? 7:30। 7:30 से खुल जाता है कान्हारी केव? 9 बजे खुलता है। ओके। देख एक तो कोड़े बुनो की चांदी पाता ते कोड़े दिए जा, चांदी पत्ता है ये पत्ता में दिया है। तो ये था संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर पूरा कंप्लीट एक कान्हारी केव का टूर। और यहाँ पे कान्हारी केव देखने के बाद क्या कर सकते हो वो भी बता दिया, फ्रूट्स खा सकते हो, फ्रूट्स बहुत ही फ्रेश है और यमी है, आप लोग खा सकते हो। तो चलिए अभी वापस चलते हैं और इसके साथ एंड करती हूँ ये वाला ब्लॉग, नीचे जाऊँगी। तो बाय बाय कान्हारी केव, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत इन्जॉय किया, फिर से मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय।